समाचार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। केंद्र सरकार द्वारा पारित करवाए गए 3 विधेयकों के विरोध में सोमवार को जिला कांग्रेस द्वारा करनाल में जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन लेने के लिए जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर अपने साथियों के साथ जमीन पर बैठ गए और सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने डीसी को सरकार का चमचा तक करार दे दिया। उसके बाद करीब 1 घंटे के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था ताकि किसी भी घटना से निपटा जा सके। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह तथा वीरेंद्र सिंह राठौर ने की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ सारे भारत के किसान, आड़ती, मजदूर व मुनीम एकत्रित होकर पिछले काफी समय से केंद्र सरकार व केंद्र सरकार के समक्ष अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यदि यह अध्यादेश अगर लागू हो गए तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। पूंजीपति इनकी फसल को अपने मनमाने दाम पर खरीदेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि अभी हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयक लाए गए हैं जो कि पूरी तरह से किसान, मजदूर और आड़ती विरोधी हैं। इन विधेयकों के जरिए सरकार के कुछ पसंदीदा पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट होगी और किसान अपनी फसल बेचने के लिए इन पूंजीपतियों पर निर्भर होंगे। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। किसान खेती बाड़ी के लिए पूंजीपतियों से बंध जाएगा जिससे किसानों का वजूद समाप्त हो जाएगा। वहीं यह अध्यादेश हमारे आड़ती भाइयों के लिए भी साजिश भरे हैं। सरकार द्वारा बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए मंडी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इन 3 अध्यादेशों से जुड़े तथ्यों से अवगत करवाते हुए कहा गया कि पहले अध्यादेशों के मुताबिक पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट, किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति में होने की शर्त हटा ली गई है जिससे मंडी में होने वाली प्रतिस्पर्धा और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। इस कानून से यहां मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो वहीं कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया ने कहा कि जब हरियाणा के डिप्टी सीएम यह बात कहते हैं कि यदि किसान पर आंच आई तो वह त्यागपत्र दे देंगे तो वह जग हसाई का पात्र है क्योंकि जितने भी घोटाले हो रहे हैं वो उनके ही विभाग में हो रहे हैं। लेकिन आज तक उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? अपने आप को किसानों के मसीहा का पड़पोता कहकर राजनीति करने वाले डिप्टी सीएम को यदि थोड़ी सी भी शर्म है तो वह तुरंत त्यागपत्र दे दे, अन्यथा एमएसपी के साथ एक ऐसा अध्यादेश जारी करे कि यदि कोई भी एजेंसी निर्धारित मूल्यों से कम दामों पर अनाज खरीदती है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर लिया जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया जिससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। किसान विरोधी तो है ही है, हमारे देश के विरोधी भी हैं, भारत विरोधी भी हैं। 3 अध्यादेश से मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान कंगाल हो जाएंगे, अपनी जो उनका अनाज होगा उसके अपने मर्जी से वो नहीं बेच सकेंगे। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं थी 3 अध्यादेशों में। अगर चौथा अध्यादेश भी साथ पारित कर देते भी एमएसपी की हम गारंटी देते हैं, इससे कम कोई एजेंसी खरीदेगी वो एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी तो शायद कोई सुकून वाली बात होती। लेकिन 3 अध्यादेश से टोटल किसान बर्बाद होगा,
आरती बर्बाद होगा, मुनीम बर्बाद होंगे, लेबर बर्बाद होगी। तीन अध्यादेश का टोटल बाइकट करते हैं। किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है, विपक्ष खड़ी रही है। आज अगर जो वो ओपोजिशन वाले भी भाजपा वाले ये कहते हैं भी ये कांग्रेस वाले करा रहे हैं, कांग्रेस वाले हमेशा गरीब आदमी के साथ, मजबूर असहाय आदमी के साथ और जिसके साथ जाति हो उसके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, चाहे हमारे पे सोल जम लगाओ। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, हम किसानों के हक में हैं, किसानों के साथ खड़े होंगे। अगर इनकी बातें सुनते तो हमारा देश भी आजाद ना होता, हमारा देश भी आज गुलाम होता। इनकी बातें सुने बिना इस्तीफा दे देंगे, देख उन्हें दिया दे देना चाहिए। जब उनके MLA बोल रहे हैं, उनके बाकी लोग बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं जिनकी नाम पे वो वोट लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बने हैं, जब वो बोल रहे हैं तो उनके लिए कौन बोलेगा? अलग मोदी तो कहेगा नहीं उनको, जहाँ खट्टर कहेगा उनको, लोगों की भावनाओं को देखते हुए रिजाइन करना चाहिए। सर ये जो ये कल संडे गवर्नमेंट ने तीन अध्यादेश जो पास किया है, ये टोटली किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, पूरा इस देश का नुकसान है इस बात से। और आज कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि इसमें पूरा देश का नुकसान है और हम इसका कड़ा जोर विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान का साथ दिया है और कांग्रेस का साथ देती रहेगी। सर जो BJP है वो लगातार ये कहती आ रही है कि जो कांग्रेस है वो किसानों को, मजदूरों को भड़का रही है, जबकि सरकारों के हितों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। और इन तीनों अध्यादेशों से किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा? क्यों नहीं नुकसान है? अगर वो MSP साथ एक कानून और आकर उसको पास करते हैं कि अभी कोई रेट फिक्स करके अगर कोई इसे नीचे खरीदेगा तो उसकी कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी, उसको खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा, तो ये साथ करना चाहिए था उनको। अगर गवर्नमेंट की इस बात पे नीयत ठीक है, अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है तो इसको आया दे साथ करना चाहिए था इनको MSP का भी। अगर मान लीजिए सरकार अपना ये अध्यादेश वापस नहीं लेती, अब तो ये कानून बन गया, तो आगे कांग्रेस की जो है रणनीति वो क्या रहेगी? नहीं, अगर वापस ले लेती है तो किसान कांग्रेस नहीं लेगी, नहीं लेती तो हम लगातार सड़कों पर रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे और जल्द ही हिंदुस्तान के अन्नदाता जब सरकार को बदलेंगे अध्यादेश दोबारा रद्द किए जाएंगे। सर आगे जो सुना बताया गया है कि कांग्रेस ने आगामी 25 तारीख को देश बंद करने का फैसला लिया, देखो अभी हमारे को देश नहीं मिला, जो देश मिलेगा उसके ऊपर हम पूरा लागू करेंगे। तो ये से हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज पुनिया जी। पंकज पुनिया जी, ये जो तीन अध्यादेश सरकार द्वारा पारित किए गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए लगातार किसान इस सरकार, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जिस जब नरेंद्र मोदी जी यूपी के अंदर गए थे, उत्तर प्रदेश की रैली के अंदर उन्होंने कहा था मैं किसान स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2 का फार्मूला लागू करूंगा, बड़े जोर जोर से उन्होंने मंच से ऐलान किया था। आज कांग्रेस की आज वो कांग्रेस के पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि कुछ विपक्षी लोग किसानों को बरगला रहे हैं। किसानों को हम नहीं बरगला रहे, आप तो कह रहे थे विपक्ष खत्म हो चुका है, आज किसान सड़कों पे है क्या? आप ये बात उनको जाके समझाइए किसानों को कि जो आप अध्यादेश लेके आए हैं उसके अंदर आपकी जो फसल का रेट है वो सुरक्षित है, लेकिन किसान ये बात को जान चुका है कि कोई रेट सुरक्षित नहीं है। जितने आज तक अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है सब का अध्यादेश में बाद में जीरो निकले हैं, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। आज किसान क्या बोल रहा है? आप बोल रहे कि आप अपने अध्यादेश के अंदर जो बिल बन चुका है उसके अंदर MSP खोल दो, लेकिन नहीं, दोबारा से जो मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी सब प्रदेशों के अंदर किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा, जब वो किसान के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, मान लो आज आपका किसान का MSP 1800 रुपए है और अगर उसका रेट कहीं उस फसल का उसका किसान का रेट 3200 हो जाता है तो वो उसका एग्रीमेंट के हिसाब से उसको खरीदेंगे, जिसमें किसान के साथ टोटली और टोटली धोखा है। तो आज किसान इस बात को लेकर लगातार संघर्षरत है और मुझे नहीं लगता कि सरकार को, क्योंकि ये अडानी और अंबानी की गोदी की सरकार है, उनके कदमों में लेटी हुई सरकार है, इसको किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की हमारे हरियाणा के DC है वो किसानों के मसीहा के परपोते हैं, वो अपने को किसान पुत्र मानते हैं। उनका एक शब्द मैंने भी, एक लाइन मैंने भी पढ़ी थी, मैंने भी सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर किसानों पर जरा से भी आंच आती है तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखिए अगर आप लोगों को याद हो जब चुनाव विधानसभा के चुनाव थे, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला मंच से ललकार ललकार कर खट्टर को क्या क्या कहते थे, वो यहाँ तक बोलते थे कि इनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी जाने वाली नहीं है। उन्होंने वो गए,
आज दुष्यंत चौटाला बोल रहा है कि मैं एमएसपी से अगर किसानों के साथ धोखा होगा तो मैं सरकार से छोड़ दूंगा। अरे भैया, आप आज आप सरकार से एक कदम नहीं निकल सकते। अगर आप सरकार से कदम भी बाहर निकल गए तो तुरंत आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सीबीआई का तोता है ना, जो आपके डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े घपले हैं, जो इतने बड़े बड़े घोटाले आपके डिपार्टमेंट में, आपको तुरंत वो सीबीआई का तोता उठा करके अंदर कर देगा। ये दुष्यंत चौटाला को पता है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मैं एक और अन्य वरिष्ठ नेता से बात करना। सर, ये आज जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या है? देखिए, जिस दिन से भी भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, हम पहले दिन से ही कहते थे ये किसान विरोधी पार्टी है और इन्होंने ये करके भी दिखा दिया। हम आज पुरजोर से इनका विरोध करते हैं। आज जो तीन अध्याय लाए हैं, ये कल कहते हैं, कल मैंने भी सुना है पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो आप एक लाइन उस अध्याय में एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि जो भी एमएसपी से नीचे बाहर या अंदर खरीदेगा, जब इतना बड़ा अध्याय ले आए तो आप एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि हम, हाँ वो एमएसपी को ले आते तो हम भी उनका विरोध नहीं करते, लेकिन हम भी किसान के बेटे हैं, ना कि हम कांग्रेस में। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी को ये कहते हैं, आज 60 साल शासन में जो भाईचारा एक किसान आड़ती मजदूरों का हुआ वो आज तक कायम था। आज किसी भी किसान ने जाके इनके पास रोए नहीं कि हमारे लिए ये अध्याय लाओ। केवल ये एक पूंजीपति की पार्टी है, पूंजीपतियों को ही फायदा डालने के लिए इन लोगों ने। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूदा करनाल के सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर, जहां पर किसान और कांग्रेस मिलकर तीन अध्यादेश जो कि सरकार द्वारा पारित किए गए हैं उसके विरोध में यहां पर ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कई वरिष्ठ नेता धरती जमीन पर बैठ गए हैं। शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा। राठौर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सबके बारे में? देखिए, डिप्टी कमिश्नर करनाल को ये जानकारी थी कि आज किसानों और मजदूरों की आवाज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों और मजदूरों की मांग को लेकर के डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंची है, पर करनाल का कमजोर डीसी, मुख्यमंत्री का चमचा डीसी अभी तक अपने कमरे से छुप करके बैठा है। किसान की आवाज सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है। हम भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सर, अगर हम इसको ये कहा जाए कि ये सरकार की दमनकारी नीति है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी? आप देख सकते हैं कि इतना दिमाग अफसरों का खराब हो चुका है कि उन्हें किसान मजदूर का दर्द सुनने का समय भी नहीं है। ये देखिए, मेरे साथ थे वीरेंद्र सिंह राठौर। मैं आपको बता दूं कि सरकार को पता था कि 21 तारीख को किसान और कांग्रेस धरना देगी, लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि अभी तक वो जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो अपने कमरों में छुपकर बैठे हैं, मजबूरन उन्हें धरती पर जमीन पर बैठना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि जब तक वो ज्ञापन लेने नहीं आते, उनकी बात नहीं सुनते, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर सरकार इन तीन अध्यादेशों के साथ एक और कानून को जोड़ देती, जिसमें कि अगर कोई भी कंपनी निर्धारित मूल्यों से कम रेट पर अनाज को खरीदती है, सरकार किसान की फसल को खरीदती है, उसको ब्लैक लिस्ट घोषित किया जाए। लेकिन सरकार ने वो काम भी नहीं किया। इन्होंने यह भी कहा कि अगर इस सरकार के इस रवैये को दमनकारी नीति अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।